हेलो दोस्तों, मैं वरुण साहब स्वागत करता हूं इस छात्रवृत्ति के नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि छात्रवृत्ति का जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस समय आधार प्रमाणीकरण हेतु कुछ समस्याएं आ रही हैं। जब भी आप आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं और OTP आप जब सेंड कर रहे हैं तो मोबाइल पर OTP नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ इरर आ रहा है। जो इरर आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और उसका साथ में सोल्यूशन कैसे आप उसका हल करेंगे, उस समस्या से कैसे आप समाधान करेंगे, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने ऑलरेडी एक डैशबोर्ड ऑलरेडी लॉगिन कर रखा हुआ है जिसमें ये समस्या बनी हुई है। तो हम यहाँ पर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पहला है ये तो आसानी से हो गया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हियर फॉर आधार OTP ऑथेंटिकेशन, जो सेकेंड वाला है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OTP का प्रोसेस पूरा करना होता है। तो यहाँ पर आप रिसेंट OTP पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगले क्रम में यहाँ पर SYNO यहाँ पर 16 OTP XSD वैलिडेशन फेल्ड करके आ रहा है। और यहाँ पर जो नीचे आप देखेंगे कि मैंडेटरी में रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम आधार सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आधार सर्विस की प्रोवाइडर है उनके माध्यम से ये प्रॉब्लम बना हुआ है। तो अभी कुछ सर्वर का इशू होगा तो इसके लिए ऐसा दिक्कत आ रहा है। लेकिन इस प्रोफाइल पे जब ऐसे दिक्कत आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये फ्यूचर में भी ऐसे दिक्कतें आएंगे। लेकिन कब ये सॉल्व होगा इसका भी कोई चांसेस नहीं है। लेकिन ये आधार का जो सर्वर है उसी का प्रॉब्लम है। तो इसमें जो पहले बात कर लें तो पहले इसमें ऐसे दिक्कतें नहीं आ रही थी, इसमें पहले कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। जब भी आप रिसेंड कर रहे थे तो ऐसा इरर आपको देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन अब क्या है कि अब हम जब दोबारा यहाँ पर आ करके अब जब दोबारा प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले पर जब क्लिक करके और जब सेकेंड वाला ऑप्शन पे हम जब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं आधार OTP ऑथेंटिकेशन पे और हम जब यहाँ पर रिसेंट पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से अब प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर OTP नहीं जा रहा है, यहाँ पर साइन ऑफ 16 OTP वैलिडेशन फेल्ड और यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द आधार सर्विस प्रोवाइडर का इरर यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पे वेट करेंगे, अगर वेट करने के बाद ये प्रॉब्लम सही हो जाता है एक दो दिन के बाद तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्टली दूसरा फॉर्म फिलअप करेंगे नए सिरे से और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसको लॉगआउट करके जो दूसरा अपना प्रोफाइल है उसको लॉगिन कर ले रहे हैं। और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर फिर दोबारा आएंगे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले पर और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन फिर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर रिसेंट OTP दिया गया, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि OTP जो हमारा है मोबाइल नंबर पे चला गया है। तो जब भी आपका ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप सिंपल उस फॉर्म को छोड़ देंगे और नए सिरे से फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे स्कॉलरशिप के लिए और उसके बाद आप यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका जो OTP का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही कुछ किया है तो हमारा यहाँ पर OTP का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप यहां पर जो भी आपका OTP मोबाइल पर गया है उस मोबाइल वाले OTP को आप यहां पर एंटर करके आप यहां पर वेरीफाई आधार बाई मोबाइल OTP पर क्लिक करके अपना फॉर्म का जो भी आधार OTP वेरिफिकेशन उसका कर लेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि जांच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें पर जब क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट यहाँ पर लेने के लिए आ जाएगा। तो आप प्रिंट डिस्पेच करके प्रिंट आउट ले लेंगे और अभ्यर्थी को जांच के लिए दे देंगे। अब यदि आप नहीं लेना चाहते तो बैक करके आप ऐसे आ जाएंगे अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।